हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी सब्जेक्ट का एक टॉपिक टिश्यू, जो कि यूनिट फर्स्ट में आता है। और टिश्यू थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अभी हम देखेंगे पार्ट वन, जिसमें बहुत ही ईजी और अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए, और ईजी लैंग्वेज में इसे समझा जा सकता है। पहले हम देखेंगे सिलेबस। तो सिलेबस में ये फर्स्ट यूनिट में ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर हमने पहले पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे टिश्यू, देखते हैं डेफिनेशन। द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। सो आप इस बात पे ध्यान दो, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल है। ये हमारा यहाँ पे एक सेल है, और ऐसे ही बहुत सारे सेल मिलके एक जब ग्रुप बना ले उसे कहते हैं टिश्यू। क्लासिफिकेशन देखेंगे, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, हमने टिश्यू को उसके साइज, शेप और फंक्शन के आधार पर फोर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसपे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एक एक करके हम डील करेंगे। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फाउंड एज कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग ऑफ कैविटीज, डक्ट्स एंड ग्लैंड। एपिथेलियल टिश्यू हमारी सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, भले ही वो आपकी ऊपर की स्किन हो, आपका एलिमेंट्री कैनाल की अपर लेयर हो, सो जो भी ऊपर वाली लेयर होगी उसी को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, चाहे वो कैविटीज में हो, डक्ट्स में हो, या किसी ग्लैंड में हो, या पूरी बॉडी में ही हो। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स इज मिनिमम। अब जैसे सेल्स गोल गोल होते हैं, राउंड राउंड शेप के होते हैं, अगर हम उनको अरेंज करें तो उनके बीच में कुछ गैप होता है। जैसे आप किसी कंटेनर में अगर बॉल ही बॉल भर दो, तो आप देखोगे कि उन बॉल्स के बीच में भी जगह है। तो ऐसे ही सेल्स भी हैं राउंड शेप की, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में वो स्पेस नहीं होता, वो इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं सेल्स कि मैट्रिक्स या स्पेस रहता ही नहीं है। तो फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अब हम देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। अपर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट प्रोटेक्शन है, जो हमारे अंदर के टिश्यूज, मसल्स, ग्लैंड्स को बचा के रखता है केमिकल, मैकेनिकल और डिहाइड्रेशन से। ये हेल्प करता है सिक्रीशन में, हमारे जो बॉडी में स्वेट निकलते हैं, म्यूकोसा निकलता है और बाकी सिक्रीशंस निकलते हैं, ये सब एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही बाहर आते हैं। देन ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, आप कुछ लोशन लगाते हो तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है स्किन के थ्रू, आप खाते हो तो वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एब्जॉर्ब होता जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम पहला डील करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। जितने भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं उसके जो टाइप्स होंगे उन सब में सिंगल लेयर ही आएगा। ये सिंगल लेयर के सेल्स होते हैं, एक जैसे दिखने वाले। इट इज फाउंड ऑन एब्सॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सर्फेस, वेयर द सिंगल लेयर एनहांसेस दिस प्रोसेस एंड नॉट यूजली ऑन सर्फेसेस सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, ये एब्सॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सर्फेस पे पाए जाते हैं, जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम होता है उस लेयर में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। This is divided into four type. Simple epithelial tissue भी four types में further divided है, जिसमें आता है simple squamous epithelial tissue, simple cuboidal epithelial tissue, simple columnar epithelial tissue या simple ciliated epithelial tissue. आप इसको easy language में ऐसे याद कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा टाइप दिख रहा होगा, लेकिन पहला याद करो squamous, cuboidal, columnar, ciliated. आपको easily याद हो जाएगा, आगे पीछे आप simple epithelial tissue लगा सकते हो। देन हम देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इररेगुलर बाउंड्रीज विच आर क्लोज टुगेदर लाइक दैट ऑफ फ्लैट स्टोन। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि ये क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, ठीक। इसके सेल्स फ्लैट होते हैं, इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं और ये क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे कि कोई फ्लैट स्टोन हो,
जिसके कारण ये एक थिन लेयर बना लेता है, थिन मेम्ब्रेन बना लेता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं उसमें पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाइज होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसमें भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। देन बी देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि नाम से पता चल रहा है क्यूब, क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे सेल्स। और फिगर में भी आप देख सकते हो, दिस इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर का क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्लोजली फिटेड होते हैं। ये फाउंड होते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाए जाते हैं, जो ग्लैंड्स की डक्ट्स निकलती हैं जहाँ से सिक्रीशंस होते हैं उसमें पाया जाता है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में ये पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर टॉल स्लेंडर टाइप के सेल्स होते हैं, वो भी सिंगल लेयर के। इनके न्यूक्लियाई नीचे बेसमेंट में पाए जाते हैं इट, और ये फाउंड होते हैं ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग में ये फाउंड होते हैं, स्टमक की लाइनिंग में फाउंड होते हैं, इंटेस्टाइन, और ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में। हम खाना खाते हैं वो जाता है एलिमेंट्री ओएसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यहीं पे सारे ये सेल्स के कारण, ये टिश्यूज के कारण वो एब्जॉर्ब और सिक्रीट होता रहता है। दे एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड अदर सीक्रेट म्यूकस। ये डाइजेशन के प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है और म्यूकस सीक्रेट करता है ताकि फूड ईजिली पास हो सके। सिलिएटेड एपिथेलियल क्या है? सिलिएटेड मतलब नाम से पता चल रहा है सिलिया, सिलिया। ये भी कॉलमनर सेल्स की तरह ही टॉल सिलेंडर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिलिया प्रेजेंट होता है। और इस ये क्या होता है सिलिया, ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण एब्सॉर्प्शन और इजीली हो जाता है, बढ़ा देता है ये। द सिलिया कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द थ्री बॉर्डर ऑफ कॉलमनर सेल। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन यूट्राइन ट्यूब्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस। यूट्राइन ट्यूब में क्यों? यूट्राइन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। सिलिया क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कोई भी पार्टिकल अगर है तो उसको ये आगे पास कराता है यूट्राइन ट्यूब्स में। ओवम को ये पास कराता है फैलोपियन ट्यूब से। और रेस्पिरेटरी पैसेजेस में क्यों होता है? ताकि हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसमें सिलिया रहता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको ये कैप्चर करके सिलिया बाहर एक्सहेल करता है स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड। तो हमने सिंपल तो डील कर लिया, अभी चार उसके टाइप्स देख लिए, अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप। इसमें भी मल्टी लेयर होता है। सिंपल एपिथेलियल में क्या था? वो सिंगल लेयर का होता था। स्ट्रेटिफाइड में क्या है? ये मल्टी लेयर के होते हैं और इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल टीयर से बचाना अंडरलाइन टिश्यूज को। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में हम लोग देखेंगे दिस इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप रिप्रेजेंटिंग न्यूली फॉर्म्ड एंड मैच्योर सेल इन डीपेस्ट लेयर। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो सेल्स फॉर्म होते हैं, नए सेल बनते हैं, वो तो ऊपर रहते हैं, और जो मैच्योर हो जाते हैं सेल वो नीचे की ओर चले जाते हैं, डीपेस्ट लेयर में फाउंड होते हैं। द सेल्स आर मेनली कॉलमनर एंड एज दे ग्रो टूवर्ड सर्फेस दे बिकम फ्लैटेन एंड देन शेड। जैसे बॉडी हमारी बनी हुई है, अंदर के हमारे जो टिश्यू हैं वो मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर की स्किन हम टच करते हैं तो वो पतली सी स्किन हो जाती है। तो यही है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है अंदर तो कॉलमनर होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आती जाती है स्किन के ऊपर की तरफ, तो वो फ्लैटन हो जाती है, फ्लैट हो जाती है और झड़ भी जाती है। सेल्स फ्लैटन एज अ लेयर बिकम मोर एपिकल दो इन देयर बेसल लेयर द सेल्स आर कॉलमनर एंड मैच्योर। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप के होता है, नॉन कैरेटिनाइज। नॉन कैरेटिनाइज क्या होता है कि ये वेट सर्फेसिस में पाया जाता है ताकि ये जो स्ट्रक्चर है वो सूखने से उसे बचा पाए, जैसे हमारी आईज में, माउथ में, फारिंग्स में, ओएसोफेगस में, वजाइना में, ये इसीलिए नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। देन सेकेंड है कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज मतलब ये ड्राई सर्फेसिस में पाया जाता है, जैसे हमारा स्किन, नेल्स, हेयर। द सर्फेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें डेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कैरेटिनाइज में। दिस फॉर्म सेट टफ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ अंडरलाइन लाइफ सेल। ये एक वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और अंदर के टिश्यूज को सूखने से बचाता है। देन सेकेंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू इज कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पेयर शेप्ड सेल एंड इज फाउंड इन लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर। इट अलाउज फॉर स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल। ट्रांजिशनल एपिथेलियल क्या होता है कि ये भी बहुत सारे लेयर से मिलके बना होता है। ये पेयर शेप्ड सेल्स होते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर में की लाइनिंग में होता है, जो कि जब ब्लैडर भर जाता है तो उसको स्ट्रेच कराता है, खत्म हो खाली हो जाता है तो उसको कंस्ट्रक्ट कराता है।
सो नेक्स्ट हमारा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नर्सिंग गोगो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।